तो ये सारी की सारी मेरी टीम है, तो बेसिकली टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, सबको पीछे कल हम सबकी छुट्टी है तो इसलिए हम सारे के सारे आएंगे नहीं, तो कल ये पूरा का पूरा टीम है मेरा पीछे, जितनी भी लाइन दिख रही ना पीछे वहां तक। इफ आई कैन थिंक डेफिनेटली आई विल डू, अगर मैं सोच सकता हूं तो मैं कर भी सकता हूं। भारत का दिल है ये भी बताना पड़ेगा क्या? यूपी से कितनी बार कहें तुमसे, यूपी से और कितनी बार बताएं बे। तो अभी जस्ट मैं ऑफिस में खड़ा हुआ था, तो अभी आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम पंकज है और मैं यहाँ अभी इंटरव्यू देने के लिए आया था, एंड भैया मुझे देख गए, अभी मैं बाहर जा रहा था, 2 बजे मुझे दोबारा बुलाया। इंटरव्यू के बारे में पता कैसे चला कि यहाँ इंटरव्यू चल रहा है? इंटरव्यू के बारे में मैं भैया को फॉलो करता था, तो भैया ने बताया था कि अगर आप 5 PPO के बारे में उन्होंने बताया था कि आप उन 5 में जाके दे दो, तो भैया ने ये भी बताया मैं वर्किंग हूँ आई में, फिर मैं यहाँ पर आया और आज अभी मेरा फर्स्ट राउंड कम्प्लीट हो गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर। चलो तो हेलो गाइस, कैसा लग रहा है आपका भाई? तो चैंटा लग रहा है, तो आज आपका भाई ऐसा लग रहा है, लेकिन नीचे आपके भाई ने चप्पल पहनी है, देखो नीचे चप्पल डाल रखी है आपने भाई ने। तो तिवारी इज बैक। आपका भाई कहाँ जा रहा है और आज है क्या, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो दिन है, आज दिन है संडे, आज तारीख है 23 अक्टूबर, तो अभी रेडी वेडी होकर के जाकर आ रहा है आपका भाई। तो अभी जा रहा हूँ मैं ऑफिस, तिवारी भी जा रहा है ऑफिस, तो अपने 10 बजे का ऑफिस, और अभी जो टाइम हो रहा है 9:50, 10 मिनट है अपने पास, तब तक हम चप्पल पहन के क्यों खड़े हैं? चप्पल पहन के खड़े होने का रीज़न है ये, अपनी जूती को पॉलिश किया जा रहा है, सो दैट कपड़े तो नए लग रहे हैं, जूती भी तो नई लगनी चाहिए। एक कुर्ता पजामा मेरा कैसा लग रहा है बताना भाई? तुमने तो बता दिया चैटा लग रहा हूँ मैं, चैटा लग। चलो तो अब चलते हैं ऑफिस। चलो तुम्हारी, लेट्स गो ऑफिस। ओह भाई मेरे भी तो सही। हाँ मैं सारे चीज़ पे हूँ, हर जगह पे हूँ। तो सारी की सारी मेरी टीम है, तो बेसिकली टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, सबको पीछे कल हम सबकी छुट्टी है, तो इसलिए हम सारे के सारे आएंगे नहीं, तो कल ये पूरा का पूरा टीम है मेरा पीछे, जितनी भी लाइन दिख रही ना पीछे वहाँ तक सारे के सारे मेरी टीम के हैं। तो हेयर वी आर, यहाँ हमारे ऑफिस में ना ये बहुत अच्छी सी जगह है, यहाँ पर फोटोज अच्छे अच्छे आते रहते हैं, तो अभी हम फोटोज़ वगैरह खींचने वाले हैं। ये फोटोज आपको कहाँ मिलेंगे संध्या? इंस्टाग्राम पे फोटो मिल जाएंगे, देख लेना। चलो फोटो खींचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये सर का सबसे प्रिय शिष्य है। एक भाई बट ले तो ले, जो कि हमेशा एडवांस में चलता है। आप ही बना रहे सर। कौन आप रह गए हो? आ जाओ फिर, फोन दो अपना किसी को, जो बच रहा है आप और आप खड़े हो जाओ, करो भी नहीं, तुम छोटे हो जाओगी बहुत, है ना? थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर मेकिंग माई डे स्पेशल, बिकॉज ऑफ इतने सारे बच्चे जब मुझसे प्यार करते हैं, लिटरली मैं एक टाइम पे मुझे पता है कोई भी प्यार नहीं करता था, इवन मैं खुद से अपने आप से प्यार नहीं करता था, एंड आज कैसे बताऊं मैं आपको, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि किस तरह की मेरे अंदर वो फीलिंग थी उस टाइम पे जब मेरे साथ सारे पीछे बच्चे खड़े हुए थे, एंड दे लव्स मी, लिटरली मैन दे लव्स मी। एंड पहले की अगर मैं बात बताऊं, आज से ठीक 1 साल पहले या 2 साल पहले, दैट टाइम मैं अकेला होता था, अकेला बैठ करके रोता रहता था, चीजों के बारे में सोचता रहता था, लेकिन मैंने स्टार्ट कुछ नहीं किया था। व्हेन आई स्टार्ट, उसके बाद तो आई हैव लॉट्स ऑफ रीजन टू स्माइल एंड आई हैव लॉट्स ऑफ रीजन टू सर्वाइव। बहुत सारे रीजन है मेरे पास हंसने के लिए, एंड बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जिंदा रहने के लिए, एंड एक टाइम वो भी था कि आई डोंट वॉन्ट टू लिव, मैं अपनी लाइफ से क्विट करना चाहता था, लेकिन नहीं,
जैसे ही मैंने चैनल शुरू किया, चैनल शुरू करने के बाद कहां जीरो, कहां जीरो के बाद इतनी बड़ी फैमिली, आज मेरे पास 1500 से ज्यादा लोग हैं। मैं कभी भी दूसरे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता, ना मैं कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर करता हूं कि वो बंदा इस तरीके से कर रहा है तो मैं उसके तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा हूं। बिकॉज ऑफ वो बंदा कर सकता है लेकिन तू उसकी जगह उससे भी अच्छा कुछ और कर सकता है, लेकिन तू वो नहीं कर सकता जो सामने वाला कर रहा है। तो बस यही सारी की सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने मेरा दिन इतना स्पेशल बनाया, लिटरली मैं एंड इवन यू गाइस, आप लोगों की वजह से तो आपके भाई के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। मेन थिंग इज व्हाट, पता है सबसे बड़ी चीज क्या आती है, इंसान सोच लेता है कि हाँ मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा लेकिन वो कर नहीं पाता। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने सन 2016 में फर्स्ट वीडियो डाला था अपना यूट्यूब पर, लेकिन आपके दर उसके बाद में कोई वीडियो नहीं डाला मैंने। इन 2021 आई गेट टू नो कि अब मुझे भाई साहब कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। देखो सबके अपने अपने सपने होते हैं कि मुझे इस तरीके से जिंदगी जीनी है, मुझे इस तरीके से जिंदगी जीनी है। जीनी तो है लेकिन उस जिंदगी को जीने के लिए आप कर्म क्या कर रहे हो, आप अपने आप को परेशान कितना कर रहे हो, आपने अपने आप को कम्फर्ट जोन में तो नहीं रख रखा है कहीं। तो सबसे बड़ा जो अपना वीक पॉइंट होता है ना वो यही होता है कि हम अपने आप को कम्फर्ट जोन में डाल लेते हैं। तो कम्फर्ट जोन में अपने आप को कभी मत डालो। अगर आज आपने इस एज में अपने आप को कम्फर्ट जोन में डाल दिया तो आगे जाकर को आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उस प्रॉब्लम को हम पहले ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आगे जाकर के क्यों उसका सामना करें। वही सेम एग्जांपल, जब पता है आपको सामने गड्ढा है तो उस गड्ढे में पैर क्यों रखना है, वहां से जंप लगा के भी जा सकते हैं। तो वही सेम चीज, जब पता है आपको कि हमें स्ट्रगल करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें ये पाना है, हमें वो पाना है, तो उसके लिए कुछ खो तो सही। एक इंसान बोलता है मुझे ये भी पाना है, मुझे वो भी पाना है, तो खोने के लिए क्या तैयार है? कुछ है तेरे पास खोने के लिए? खोने के लिए तेरे पास तेरा कंफर्ट जोन है, राइट? जो तेरे एक्सक्यूजेस हैं वो तेरे खोने के लिए। अपने कंफर्ट जोन को निकाल दे अपने अंदर से बाहर। भाई साहब जो तू इंसान करना चाहता है ना वो सारी चीजें कर लेगा। तो विच इज आई डिड, मैंने वही सारी चीजें की, एंड आफ्टर दैट टुडे आई एम हियर। आप लोगों से आज मैं बात कर रहा हूँ और आप लोगों से बात करके मुझे जो फीलिंग आ रही है, जितना मैं खुश हूँ लिटरली मैं वो फीलिंग वर्ड्स के साथ में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ कि हाउ मच हैप्पी आई एम टुडे। कसम से लिटरली मैं वेरी मच हैप्पी। तो थैंक यू सो मच एवरी सिंगल पर्सन। आपको पता है आपका भाई नोएडा में रहता है, राइट? तो नोएडा में तो पटाखे बैन नहीं हुए लेकिन दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर अगर आप पटाखे चलाते हो तो आपको 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है अगर आप पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हो। तो दिल्ली में पटाखे बैन है, नोएडा में आप पटाखे चला सकते हो, लेकिन आप नोएडा में पटाखे चला सकते हो तो मेक श्योर आप अपना ध्यान रखें, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो वंस अगेन आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। चलो मिलेंगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय हिंद।